अभी तक आपने आपराधिक घटनाओं से परेशान लोगों को या फिर किसी भी समुदाय या जाति की ज्यादा आबादी के कारण कम संख्या वाले लोगों को गांव या शहर छोड़कर पलायन करने की बात सुनी होगी, लेकिन अब जो पलायन का मामला सामने आया है वो बिल्कुल ही अलग है। दरअसल जिले के थाना भगतपुर क्षेत्र में रहने वाले किसान नन्नू सिंह के बेटे सोनू सिंह की एक वर्ष पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोनू उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के बॉर्डर पर वन विभाग की चौकी नेफा पर संविदा कर्मी के तौर पर तैनात था। सोनू की हत्या के बाद नन्नू सिंह ने 5 लोगों को नामजद करते हुए मुरादाबाद के भगतपुर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन 1 साल का लंबा अरसा गुजरने के बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। उनका कहना है कि मुरादाबाद में तैनात सभी अधिकारियों के पास गुहार लगाकर थक चुके हैं। इतना ही नहीं, वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ जाकर भी अपनी पीड़ा सुना आए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको अपने बेटे की हत्या के मामले में इंसाफ नहीं मिला है। सोनू के पिता नन्नू सिंह के मुताबिक उनके बेटे की हत्या के आरोपी दबंग लोग अब उन्हें भी धमका रहे हैं। अब तंग आकर नन्नू सिंह ने अपना घर व जमीन बेचकर उत्तराखंड में बसने की ठान ली है। उन्होंने अपने घर के बाहर काफी बड़ा फ्लेक्स बोर्ड लगा दिया है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि मेरे बेटे सोनू की हत्या हुए 1 साल हो गया है, जिसका अभी तक थाना भगतपुर पुलिस ने खुलासा नहीं किया, इसीलिए मैं गांव से पलायन कर रहा हूं। मेरे गांव वालों का मुझसे जो भी लेन देन हो वो कर ले। नन्नू सिंह द्वारा इस बैनर की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने 1 हफ्ते पहले नन्नू सिंह के घर आकर वो बैनर हटवा दिया। उसके बाद नन्नू सिंह ने दोबारा यह बैनर अपने घर पर लगा लिया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक नन्नू सिंह को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार पुलिस की टीम नन्नू सिंह के घर जाकर उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाती है। नन्नू सिंह का पुत्र सोनू सिंह उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर वन विभाग की चौकी नेफा पर तैनात था, जहां से 24 घंटे में कई 100 ट्रक खनन के निकलते हैं। सोनू सिंह भी वन विभाग व पुलिस के लोगों के साथ सहयोग के लिए उस चौकी पर संविदा कर्मी के तौर पर तैनात था और वो वन विभाग की रसीद काट कर ट्रक चालकों को देता था। सोनू की हत्या के बाद यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोनू खनन विभाग व पुलिस कर्मियों के कुछ राज जान गया था, जिस कारण उसकी हत्या कर दी गई। यह बात खुद सोनू के पिता नन्नू सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कही कि कुछ पुलिस वाले भी उसके बेटे सोनू की हत्या में कहीं ना कहीं शामिल है। क्या नाम है आपका? नन्नू सिंह प्रजापति। नन्नू सिंह जी, आपने ये अपने घर पे जो है बैनर क्यों लगाया हुआ है? मैंने इंसाफ के लिए लगाया हुआ है। अगर तक मेरे इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरे लड़के का खुलासा नहीं होगा, कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक मैं इसे नहीं हटाऊंगा। कब से लगाया हुआ है? आज इसे 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। आई आपके पास? जी, पुलिस आई। पुलिस आई 2 दिन। फिर क्या हुआ? फिर कुछ ना, वो तो देखभाल कर अपने चले गए। पहले लगाया था तो पुलिस ले गई तार के, फिर ये मैंने फिर लगाया 6 दिन, आज इसे फिर हो गए। ना, कोई पूछने नहीं आया। दरोगा जी आए थे, वो ऐसा साहब, वो कह रहे थे कि हटा लो भाई। मैं क्यों हटा लूँ? जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं नहीं हटाऊँगा, गांव छोड़ कर चला जाऊँगा, सब संपत्ति बेच जाऊँगा यहाँ से। तो आपने अब क्या निर्णय किया? अब निर्णय यही लिया है कि जब तक मेरे लड़के का खुलासा नहीं होगा तब तक मैं ये भी लगाए रखूँगा बैनर भी, और इसके बाद मैं 3-4 दिन में अपना सामान भर कर ले जाऊँगा, गाँव छोड़ जाऊँगा। क्या मामला था, क्यों लगाया था आपने बैनर? ये लगाया है कि जब मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, इसी वजह से लगाया है। सब अधिकारियों पे घूम आया मैं, भाजता थक गया, क्या करूं? दिल्ली तक घूम आया मेरे वीर, और इलाहाबाद लखनऊ तक चला गया। योगी ने भी ना सुनी, ठा के फाइल रख ली ऐसे, ना बात करी ना चीत करी। जी जी, गया था कई महीने हो गए, कुछ कोई सुनवाई नहीं हुई। यार, इन्होंने हमसे आज होकर के जो है पुलिस वालों ने लिख कर दे दिया कर। बेटे की हत्या? हाँ हाँ, इन्होंने लिख कर दे दिया कि जांच चल रही है, जांच चल रही, कब तक जांच चलेंगी? सर, भगतपुर थाना क्षेत्र में नन्नू सिंह है, उन्होंने गांव से पलायन का पोस्टर अपने घर पर लगाया। उनका कहना 1 साल पहले उनके बेटे सोनू की हत्या हो गई थी और उसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस प्रकरण में पुलिस ने काफी गहराई से छानबीन करी है। शुरू में उस केस में कुछ लोग नामजद किए गए थे, उनकी उसमें संलिप्तता नहीं पाई गई। मुद्दई भी उस बात से कन्विंस्ड थे,
घटना के अनावरण के लगातार प्रयास जारी हैं, टीमें गठित की गई हैं। जहां तक पोस्टर लगाकर गांव छोड़ने की बात है और उनको भय लगने का बात है, वहां पर पुलिस सप्ताह में लगभग 4 से 5 बार मिनिमम विजिट करती है, जाती है। किसी व्यक्ति विशेष से इस प्रकार का कोई खतरा उन्होंने ना किसी वरिष्ठ अधिकारी को संज्ञानित किया, ना थाना को संज्ञानित किया। अब उन व्यक्ति को एकाएक किस व्यक्ति से खतरा पैदा हो गया है, जबकि उनके द्वारा किसी का नाम भी नहीं लिया जा रहा है, यह एक विचारणीय बिंदु है। देखिए, जहाँ तक नाम लेने का प्रश्न है, नाम लेने की स्वतंत्रता हर किसी व्यक्ति को है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी प्रभाव या किसी बहकावे में आकर इस प्रकार की हरकत उनके द्वारा की जा रही है। छानबीन से ये जानकारी में आया है कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति विशेष से खतरा नहीं है, फिर भी सतर्कता रखी जा रही है और घटना के अनावरण के सतत प्रयास जारी हैं। लगभग 1 साल तो हो गया होगा, ये जो आरोप सही है ये वाला, जांच का? जांच चल रही है और बिल्कुल उसकी गहराई से छानबीन जारी है। मैंने जैसा बताया कि गांव के ही कुछ लोग उसमें नामजद थे, जो पुलिस की तहकीकात से उनकी संलिप्तता कहीं भी नहीं पाई गई है। उनके ढेर सारे सर्विलांस का प्रयोग किया गया, मैनुअल मुखबिरी भी की गई, पीड़ित के परिवार से भी पूछताछ की गई। पुलिस उस घटना को सही ढंग से खोलने के लिए सतत प्रयासरत है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।